9 रैक टीम के खाते में, लेकिन अब यहाँ से साहिल बच के कैसे निकलेंगे, क्योंकि सामने से जिस हिसाब से खिलाड़ी नजर आ रहे थे मुझे लगता है एटलीस्ट 3 खिलाड़ी तो थे सामने, और फिलहाल के लिए द माफियास के ऊपर टीम एवोल्यूशन का हुआ है हमला। किस तरीके से फाइट बैक करेंगे यहाँ पे, स्लोली स्लोली माफिया वाला होल्ड कर रहे हैं जुवल के पीछे, सामने प्लेयर को स्पॉट किया, डाउन किया है रोशन को, साहिल ने दूसरी तरफ फाइट लेते हुए, लेकिन यहाँ पे इट्स एन इंटरेस्टिंग फाइट गोइंग ऑन, दोनों चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और द माफिया स्मूथिंग करते हुए, बट लीड इस बार डाउन हो चुके हैं, लीकी ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, माफिया बाला कोली कोली करते हुए, अगर माफिया बाला भी डाउन हो चुके हैं, ओ माय गॉड, माफिया को पूरा का पूरा पलटवार करके डोमिनेट कर दिया है टीम एवोल्यूशन ने। टीम एवोल्यूशन जो इतनी जबरदस्त डोमिनेटिंग टीम में इवॉल्व हो चुकी है, उन्होंने माफिया के ऊपर पलटवार किया, ऊपर से वार किया और बहुत ज्यादा दिक्कतों में डाल दिया है, बहुत ज्यादा दिक्कतों में, लेकिन अभी भी माफिया रहेंगे सोलो सर्वाइवर। डिलीट उनको कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि कहां पे कौन सा एनिमी फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन टीम एवोल्यूशन के लिए जोन के अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल क्योंकि माफिया उनको गेट कीप कर रहे हैं, लेकिन माफिया की वॉल्स उनको थोड़ा सा दिक्कतों में डालेंगे जरूर, स्पॉट कर रहे हैं शॉट कंटिन्यूअसली फायर करेंगे, लेकिन कनेक्शन की थोड़ी सी कमी क्योंकि वॉल्स का प्रयोग करके टीम एवोल्यूशन के प्लेयर अपने आपको कवर में रख पा रहे हैं, लेकिन ये लीजिए वॉल ब्रेकर का यूज, सामने से लॉन्चर आया लेकिन लॉन्चर से अपने आपको बहुत सही समय पे बचा लिया, एक और शॉट की देरी है, एंड हियर वी गो, माफिया करेंगे क्लच टीम एवोल्यूशन को अपनी डबल स्नाइपर के साथ, एंड कमाल का क्लच कर दिया, टीम एवोल्यूशन हो जाएगी इस मुकाबले के अंदर एलिमिनेट। जी